हेलो एवरीवन, आज हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे और एनिमल फिजियोलॉजी में कार्डियक सिस्टम देखेंगे। तो कार्डियक सिस्टम हमारा हार्ट से रिलेटेड होता है और हार्ट कहाँ से ओरिजिनेट होता है? मेसोडर्म से। तो ये मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है हार्ट और ये प्रेजेंट होता है थोरेसिक कैविटी में और लंग्स के बिटवीन हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट हमेशा सेंटर में प्रेजेंट होता है दोस्तों, लेकिन कई लोग क्या बोलते हैं कि ये लेफ्ट साइड धड़कता है। तो ये क्या होता है, लेकिन ये क्या होता है कि लेफ्ट साइड धड़कता है या टिल्ट होता है, जिसकी वजह से ये हमको ऊपर भाग से टच करने से हमको कहाँ फील होता है, लेफ्ट साइड में फील होता है, लेकिन हमेशा हार्ट कहाँ होता है, सेंटर में होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर चार चेंबर दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4। तो फर्स्ट होता है राइट एट्रिकल और दूसरा होता है लेफ्ट एंट्रिकल और थर्ड होता है राइट वेंट्रिकल और चौथा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, चार चेंबर हो गया। तो सबसे पहले होता क्या है कि यहाँ से हमारा लेफ्ट लंग्स होता है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट आर्टरी में। उसके बाद यहाँ से जो लेफ्ट आर्टरी से ब्लड जाता है हमारा बाइकैस्पिड वाल्व, इसे क्या बोलते हैं, बाइकैस्पिड वाल्व के थ्रू किसमें जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में संकुचन होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वे हमारा सेमीलूनर वाल्व, जिसे SL वाल्व कहते हैं, उसके थ्रू हमारे बॉडी के प्रत्येक पार्ट में यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, सप्लाई होता है। अब आता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से जाता है। तो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा से आता है राइट एट्रिकल में, यहाँ से ट्राइकैस्पिड वाल्व खुलता है और ये ट्राइकैस्पिड वाल्व के थ्रू होते हुए कहाँ आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में। तो यहाँ से जब राइट वेंट्रिकल्स में क्या होता है, संकुचन होता है, तो इस राइट वेंट्रिकल से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हुए किस में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग्स दोनों में जाता है। फिर वहाँ से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड होकर किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट के अंदर आता है। इसके बाद फिर से यही चक्र चलता रहता है, साइकिल चलता रहता है दोस्तों। अब ये है इन्फीरियर वेना कावा। तो इस तरह से हमारा जो ये लेफ्ट आर्टिकल और राइट आर्टिकल्स को जो भाग अलग किया रहता है, डिफ्रेंशिएट किया रहता है, उसे क्या बोलते हैं, इनर आर्टिकल्स सेप्टम। और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को अलग करता है, इनर वेंट्रिकल सेप्टम, इनर आर्टिकल सेप्टम और इनर वेंट्रिकल सेप्टम बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर देखे हैं दोस्तों और इनका जो सर्कुलेशन होता है किस तरह से होता है उसको मैंने बताया है, और इसे बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। ये मसल्स क्यों मोटा होता है, क्योंकि यहाँ पर वर्क का लोड सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी वॉल होती है वो थिक वॉल होती है। और वर्क का लोड इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि यहीं से हमारा पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी को पहुँचाया जाता है दोस्तों। तो इसलिए हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये थिक वॉल होता है फॉर वर्क लोड के लिए, और तभी ये हमारा काम करता है और हृदय को सुरक्षित, अंदर की आंतरिक जो फिजियोलॉजी होती है उसको सेफ रखता है। तो ये हो गया दोस्तों कार्डियक सिस्टम।